बोस मस्जिद पर तो पत्थर फेंके हैं। जब रैली चल रही थी 6:30 बजे की बात है शाम की, तो आ रहे लोग, सब लोग आ रहे घर के लिए, एंड था वो क्या क्या, ये जितने भी लाइन से घर है ना, इन सारे घरों पर से पत्थर फेंके जा रहे थे। नीचे रैली जा रही थी, 3 रैलियां गुजर चुकी थी, ये तीसरी रैली थी। हम मस्जिद में पहले, हमारी मस्जिद में, मस्जिद में फिर पहले उनसे पहले झंडा लगाया था, फिर उनने ईंट मारा था, हमने इसलिए तलवार और चाकू और ईंट ने हम पत्थर लेके फेंकने आए थे। अच्छा, आप पत्थर लेके फेंकने आए थे? हाँ। कह रहे कि जितने भी सारे ये घर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से सब पत्थरबाजी हुई है। 3 घंटे 2 घंटे तक यहीं पे खड़ा होकर मैं सारा देखा है, ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे। मकान है, इन पे आपको सब मेरा पत्थर, ईंट पत्थर मिलेंगे पड़े हुए। अभी आपको, चलो आप देख लो जाके। एक ही तरफ खाली मुसलमान को पकड़े, हिंदू को खाली छोड़ दे रहे, उधर इधर से और इधर से। हमारा मुल्क का 3-4 आदमी को पकड़ा है और हिंदू को तो एक भी नहीं पकड़ा है। मान मारा जाता नहीं तो केजरीवाल यहाँ पर होता, केजरीवाल यहाँ पर होता, कोई मुसलमान मारा जाता और उसकी शकल नहीं मालूम पड़ी है केजरीवाल। ये कहेंगे ये मुसलमान दिन में 5 बार लंच करते हैं, अन्यवाद का हम लोग तो कुछ नहीं कहते हैं। और हमारे एक दिन बजरंगबली की रैली निकली तो उन्होंने हंगामा कर दिया। ऊपर खड़ा था, सबसे पहले मैंने देखा मस्जिद के ऊपर से पहले पत्थर फेंका गया, हमारी रैली इधर देखे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, मैंने खूब देखा अपनी आंखों से, कांच की बोतलें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, मैंने खूब अपनी आंखों से खूब देखा, मैं ऊपर खड़ा था। पहला ही प्लान बना कर रखा है, अब पत्थर ईंट जमा कर लिया, हमारे छतों पर जाके देखो किसी का इतना सा भी पत्थर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने पहला ही जमा करके रखे जाना है, ये प्लान बनाना था। नमस्कार, मैं हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त जो चर्चा में है वो जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर है। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में जब यहाँ जहांगीरपुरी में मनाई जा रही थी, तो जब मस्जिद के पास ये यात्रा पहुंची तो इस यात्रा पर पथराव हो गया। ऐसे में सवाल ये उठ जाते हैं कि क्या देश में हिंदू अब अपना त्यौहार भी नहीं मनाएगा? क्योंकि हमने देखा है चाहे नववर्ष हो या रामनवमी हो या अब हनुमान जन्मोत्सव हो, सेम चीज़ हमको देखने हमें देखने को मिली है, पथराव अवश्य हुआ है। तो आज हम उसी इलाके में मौजूद हैं, यहाँ की जनता से पूछेंगे, जो इस एरिया के लोग हैं उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और यात्रा के बाद हिंसा हो गई। गलियों में चलते हैं और आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या देखा। जो चीज़ बताई जा रही है, मीडिया के सामने आ रही है कि इधर से भड़काऊ नारेबाजी हुई, भड़काऊ भाषण हुए, यहाँ के लोग शोभा यात्रा में तलवार निकाल के आ रहे थे, क्या ये सच्चाई है या एक झूठ फैलाया जा रहा है ताकि जो पथराव करने वाले लोग हैं उन पर सवाल ना खड़े किया जा सके। तो चलते हैं गलियों में, पूछते हैं जनता की राय। ना चाह रही हो, मुसलमान का हिंदी का लड़ाई हुआ है तो मुसलमान को जानूस बोल, वो बोल रहे पुलिस हिंदुस्तान को ये कर रहा है और हिंदू को पहले मानना भी चाहिए, उनको भर्ती भी चाहिए ना, एक ही आदमी को बंद कर रहा है क्या फायदा। अच्छा ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए जरा। अच्छा बेटा ये बताइए क्या कह रहे हैं, मतलब हिंदू को मानना चाहिए? हाँ, हिंदू को दोनों तरफ पकड़ो, एक ही तरफ खाली मुसलमान को पकड़े, हिंदू को खाली छोड़ दे रहे, उधर इधर से और इधर से। हमारा मुल्क का 3-4 आदमी को पकड़ा है और हिंदू को तो एक भी नहीं पकड़ा है। अच्छा ये बताइए, जो पत्थरबाजी हुई वो तो मस्जिद की तरफ से हुई है? हाँ, मस्जिद में पहले, हमारी मस्जिद में, मस्जिद में फिर पहले उनसे पहले झंडा लगाया था, फिर उनने ईंट मारा था, हमने इसलिए तलवार और चाकू और ईंट ने हम पत्थर लेके फेंकने आए थे। अच्छा आप पत्थर लेके फेंकने आए थे? हाँ। अच्छा तो ये बताइए, आप कह रही है कि उन्होंने झंडा लगाया तो वो तो पुलिस तो मना कर रही है कि झंडा कोई नहीं लगाया? हाँ, लगाया पुलिस तो उसी तरफ है, नहीं बोलना नहीं चाहिए, नहीं बताना नहीं चाहिए, नहीं वो बताइए ना, अपनी बात रखिए, क्या बात हुई ऐसा? क्या बात है, हम लोग को सारा, हम लोग का तो हिंदू को नहीं एक पकड़ा, मुसलमान के सब। अच्छा तो पत्थरबाजी तो मस्जिद की तरफ से हुई, किसको पकड़ा था? वो उसने भेजा ना, उसने तो, किसने भेजा? उसने, वो जो, एक मिनट रोक के, नहीं रुकना नहीं चाहिए भाई, बोलना नहीं चाहिए, जिसको जो करना हो। पता कैसे चलेगा ये बताइए? पता चल गया, वो समाचार में आ गया, पता की चला नहीं, चल गया। अच्छा एक मिनट रुक तो जाइए जरा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम उधर रहने वाले हूँ। अच्छा आ जा। अच्छा।
क्या नाम हो गया भैया आपका? अरुण नाम है। अरुण, क्या देखा आपने उस दिन जो हिंसा हुई? पत्थरबाजी कहाँ से स्टार्ट हुई? पत्थरबाजी मस्जिद के साइड से स्टार्ट हुई थी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी झंडा लगाने की कोशिश नहीं करी गई थी, बिना फालतू की अफवाह ही है। छोटी रैली समझ के पत्थरबाजी करी थी उधर की मस्जिद के साइड से। अच्छा, ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि अगर ये झंडा लगाएंगे तो ऐसा रिएक्शन तो होगा। वैसी जी चूतिया बना रहे और कुछ नहीं, सरासर दो नंबर का जितना काम है सारा करता है इंसान। यहाँ के इलाकों में जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में और सी ब्लॉक में दो नंबर के काम करने वाला अंसार है जो पकड़ा गया है। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो उसे भी निर्दोष बता रहे हैं, कहीं से तो सुलह करने गए थे। जहांगीरपुरी के अंदर जाके अगर सही से पूछोगे तो पता लग जाएगा कि कौन है निर्दोष कौन है बेगुनाह। आम आदमी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। हाँ, उसके साइड से हमेशा वोट जाते हैं, इसके साइड से जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं सारे आम आदमी के वोटर बैंक है यहाँ पे। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हिंसा कराते हैं कि ताकि देश में हिंदू मुस्लिम होती रहे। कहाँ होता है हिंसा, इतने दिन से रह तो रहते कहाँ से हिंसा करवा ली। अब ये जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं इनका वोटर बैंक है, यही सब ये कुकर्म करवाते हैं। अब जितना कूड़ा फैला हुआ रोड पे कब्जा कर रखा है इन्होंने, क्यों नहीं हटवाते? कौन लोग हैं ये? बंगाली और कौन है? हटवाते क्यों नहीं है? अवैध कब्जा कर रखा इन्होंने, ये स्कूल है बगल में यहाँ पे कब्जा कर रखा इन्होंने, इससे पहले ये मेन रोड है बंदे के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है मेन रोड पे। अच्छा, इसको क्यों नहीं हटवाते हैं? अवैध कब्जा जितना कर रखा हटवाना चाहिए ना इसको, क्यों नहीं हटवाते? अच्छा, तो ये बताइए जो कुछ लोग बांग्लादेशी मुस्लिम है उन्होंने भी पत्थरबाजी स्टार्ट की है, कुछ कह रहे हैं कि यहीं के मौजूदा लोग थे। शकलों पे नहीं लिखा कि बांग्लादेशी मुस्लिम है या हिंदू है, पर थे सी ब्लॉक के ही, जितने भी नागरिक थे वो सी ब्लॉक से ही थे, इतना पता है। इतना पता है। तो आम आदमी पार्टी का कनेक्शन बताया जा रहा है कि जब भी दंगे होते हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर निकलते हैं। हाँ, ये अंसार था, जितने भी इसके यहाँ के वोट जाते हैं वो अंसार के कहने पे जाते हैं और वो आम आदमी पार्टी को ही जाते हैं। केजरीवाल जी तो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या अंकल, क्या बोस मस्जिद पर तो पत्थर फेंके हैं? जब रैली चल रही थी 6:30 बजे की बात है शाम की, तो ये आ रहे लोग, सब लोग आ रहे घर के लिए, एंड था वो। क्या क्या, ये जितने भी लाइन से घर है ना इन सारे घरों पर से पत्थर फेंके जा रहे थे। नीचे रैली जा रही थी, तीन रैलियां गुजर चुकी थी, ये तीसरी रैली थी। छोटी रैली देख के इन्होंने वार करना चालू किया, उनकी सुनी नहीं। पहले तो बहसबाजी चल रही थी, मैं सी ब्लॉक तक आया था, बहसबाजी चल रही थी, फिर लड़ाई दंगा चालू हो गया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जितने भी सारे ये घर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से सब पत्थरबाजी हुई है? 3 घंटे 2 घंटे तक यहीं पे खड़ा होकर मैं सारा देखा है, ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे। मकान है इन पे आपको सब मेरा पत्थर ईंट पत्थर मिलेंगे पड़े हुए। अभी आपको चलो आप देख लो जाके, और कल देखा है, कल मीडिया वालों ने सबने देखा है, और औरतों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं ईंट पत्थर, और एक पुलिस वाले के पत्थर लगा भी है, उनके चोट आई है, उनको अस्पताल भेजा। अच्छा, ये बताइए ओवैसी साहब हो या जो मुस्लिम नेता है कह रहे हैं कि अगर आप मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश करोगे तो पत्थरबाजी तो होगी। किन्ने मंदिर पर झंडा लगाया हो? मंदिर पर झंडा कहा, इनके सब नोटिफिकेशन बने हुए हैं का नाम मस्जिद पर, इनकी मस्जिद पर सब मजार पर इनकी का नाम नोटिफिकेशन लगे हुए, तो इनकी ये कही जा रही है साहब लॉर्ड स्पीकर में मत बोलो, वैसे अपने अजाल लगाओ, कोई बात नहीं है, मगर ये फिर भी नहीं मान रहे हैं, समझे। और पत्थरबाजी तो एंड था रैली का एंड था, तो मस्जिद पर तो ईंट पत्थर फेंके गए हैं, लोगों के लगे हैं, फिर यहाँ पैसे साहब तुम्हारे की ईंट पत्थर, इतना बड़ा बच्चा उसके भी हाथ में पत्थर था, वो भी इधर को पत्थर तोड़ फेंक रहा था, और घरों में आके गाड़ी तोड़ी है, यहाँ पर क्या नाम आग लगाई है, एक दुकान लूटी है इन लोगों ने, यहाँ पर गाड़ी यहाँ हलवाई के पास में, आप बता रहे इस गली तक आ गए थे वे लोग? हाँ बिल्कुल आ गए, यहाँ पर ये राजेश का ऑफिस है, यहाँ पर ऑफिस तोड़ रहे थे और राजेश की गाड़ी तोड़ी है, हलवाई के पास दो गाड़ी खड़ी, एक गाड़ी का शीशे से शीशा तोड़ा है और एक गाड़ी पलट दी, यहाँ पर आ गए वो तो। हाँ, जब यहाँ पर फोर्स आया है तब ये ढीले पड़े हैं। अच्छा, ये बताइए जो अंसार पकड़ा गया है उसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा है? आम आदमी पार्टी तो बिका हुआ है बेचारा, उसने क्या किया केजरीवाल ने? उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये तो सबने सुना होगा, योगी सिंह पिछली टाइम में बयान दिए हैं उसने,
कि आप आओ 100 करोड़ और हम हैं 25 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस के लिए हटा लो, देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। और अब भी मुसलमान ये कहते हैं तुम पुलिस को मत लाओ, देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं सरकार की साजिश है, नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग ये दंगे में शामिल हो जाते हैं, जब भी दिल्ली में दंगा होता है तो क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी इस पे? चुप है। सलमान मारा जाता नहीं तो केजरीवाल यहाँ पर होता, केजरीवाल यहाँ पर होता, कोई मुसलमान मारा जाता और उसकी शकल नहीं मालूम पड़ी है केजरीवाल जी। और क्या क्या रहेंगे? क्या दिक्कत है केजरीवाल जी को ऐसा कि अगर ये हिंसा होती है इस पे चुप ही साथ लेते हैं? अब चाहे कुछ भी आप समझो, चाहे डर के मारे समझो, चाहे वो बिका हुआ समझो, मगर उसने शकल नहीं दिखाई है। हाँ अच्छा, वे तो कहते हैं कि हमारी दिल्ली सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है। दिल्ली तो अच्छी है मगर ये लोग तो अच्छे, विपक्ष वाले तो अच्छी नहीं रहने देते, ये विपक्ष वाले अच्छी नहीं रहने देते। अच्छा हाँ जी, आप क्या कहोगी जो हिंसा हुई है? ये कहेंगे ये मुसलमान दिन में 5 बार लंच करते हैं अन्यवाद का, हम लोग तो कुछ नहीं कहते हैं। और हमारे एक दिन बजरंगबली की रैली निकली तो इन्हें हंगामा कर दिया, क्यों कर दिया? जब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? यही तो सवाल है कि जब हिंदू त्योहार मनाता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। हाँ तो यही तो बात है, यही तो मैं कह रही हूँ, और क्या कह रही हूँ। ऊपर खड़ा था, सबसे पहले मैंने देखा मस्जिद के ऊपर से पहले पत्थर फेंका गया, हमारी रैली इधर देखे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, मैंने खूब देखा अपनी आंखों से, कांच की बोतलें फेंकी गई, पत्थरें फेंके गए, मैंने खूब अपनी आंखों से खूब देखा, मैं ऊपर खड़ा था। क्या अम्मा? पहला ही प्लान बना कर रखा है, अब पत्थर ईंट जमा कर लिया, हमारे छतों पर जाके देखो किसी का इतना सा भी पत्थर मिलेगा? और कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने पहला ही जमा करके रखे जाना, ये प्लान बनाना था उन्होंने, प्लान बनाना नहीं चाहिए ना, हम तो यही शांति चाहें, अब सब मिलकर हो, अब तुम भी त्यौहार मनाओ, हम भी त्यौहार मनाएं, सब खुशी खुशी रहो। यहाँ जो आए अपना देश छोड़ छोड़ कर यहाँ पड़े हैं तो त्यौहार भाई भाई बन के ही तो त्यौहार मनाएंगे। लगातार बात यही होती कि भाईचारा देश में बना रहना चाहिए, तो कैसे भाईचारा बनेगा जब हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी होगी लगातार? अरे ना, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? फिर तो यहाँ से इन्हों को निकाला जाए, कोई एक तो बनाओ जो यहाँ ये बिगर बात में पत्थर फगाते हैं और त्यौहार नहीं मनाने देते। इनकी मेहनत रात में 3 बजे से बोलने शुरू होती है, कोई कुछ खाता है, कोई भी कुछ नहीं खाता। हमारा यहाँ मंदिर में रेडियो शुरू होता है 6 बजे 5 बजे और इनका बोलना शुरू हो जाता, क्यों होता है ये? इसको मना करो तुम और इन्हों को एक करवाओ, नहीं एक करा तो इन्हों को। अच्छा ये बताइए, जो अंसार पकड़ा गया है इस जहांगीरपुरी का, तो बताया जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का नेता है, केजरीवाल जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसा क्यों? केजरीवाल जी चुप क्यों इसको लेकर? नहीं, केजरीवाल तो भाषण दे रहा है, अख जी शांति रखो, शांति से रहो सब। केजरीवाल ने भाषण दिया, कौन कह रहा है कि केजरीवाल उनमें मिला है? नहीं मिला है केजरीवाल का। या शांत बने रहो, शांत बने रहो, शांत बने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये इसके बस की देश तो है नहीं चलाना। यूपी में जाके देखा, सब में लाइटें लगवा दी, हर जगह देखो दिन दाड़े चाकू मार रहे, चप्पल मार रहे हैं, उसके मोबाइल छीन रहे बाहर रोड पे, ना लाइटें लग रही ना कुछ लग रही, कहीं भी देखो तो कहीं बाहर रोड पे लाते घूसे पड़ रहे हैं, कोई बीच में कोई किसी के बोल नहीं बोलता इधर ना, भाई इधर सामने देखा झुग्गी के पास लात मोबाइल तक छीने गए हैं पूरे लगातार। अच्छा ये बताइए, जो अंसार पकड़ा गया वो तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला है, वो उसके बारे में मुझे तो पता नहीं है। हाँ। बस जो जो मेरे को जितना पता है मैं उतना ही जवाब दे रहा हूँ, जोड़ मोड़ने से कुछ नहीं होगा, मीडिया में सब आएगा।